और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि अजमेर से इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर अजमेर से सामने आ रही है जहां पर एक्शन मोड में एसीबी की टीम। ईओ भर्ती परीक्षा में पैसे लेकर अधिकारी बनाने का मामला। अजमेर स्थित आरपीएससी पहुंची एसीबी की टीम। आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा के बयान दर्ज करने पहुंची है टीम। इस वक्त की ये बड़ी खबर अजमेर में एक्शन मोड में दिखी एसीबी की टीम। ईओ भर्ती परीक्षा में पैसे लेकर अधिकारी बनाने का मामला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गौरव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, अजमेर में एसीबी टीम का एक्शन दिखा है जहां पर ईओ भर्ती पेपर को लेकर के अजमेर पहुंची है टीम, क्या कुछ अभी का अपडेट? देखिए, आप तो बताना चाहेंगे ईओ पर ईओ की जो भर्ती परीक्षा थी उसमें पैसे लेकर अधिकारी बनाने का ये मामला है पूरा। और पिछले साल जुलाई के महीने में भी इस मामले में चार गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें घुमंतू जाति कल्याण बोर्ड के जो पूर्व अध्यक्ष थे गोपाल केशावत सहित चार लोगों को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। इस भर्ती परीक्षा में आरपीएससी के दो सदस्यों की जो भूमिका थी वो संदिग्ध थी, जिसके बाद जयपुर की जो आरपीएससी की टीम है वो मंगलवार को कल संगीता आर्य के घर पहुंची थी, जहां पर उनसे पूछताछ की गई थी। और आज आरपीएससी में जो वहां पर उनसे मंजू शर्मा से यहां पर पूछताछ की जा रही है इसको लेकर अभी, हाँ हालांकि फिलहाल ये है कि आरपीएससी से मीडिया को बाहर निकाल दिया गया है, मीडिया की एंट्री नहीं है और मंजू शर्मा से वहां पर पूछताछ जा रही है। जी जी गौरव, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ये अजमेर से बड़ी खबर है जहां पर एसीबी की टीम एक्शन में दिखी है। अजमेर स्थित आरपीएससी पहुंची है एसीबी की टीम। आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा के बयान दर्ज करने टीम पहुंची है अजमेर। और बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त सामने आ